ग्रामीण खेलों आयोजन है जी को होने लग रहा गाँव पुला सर्क ने है बाइक अनियंत्रित तो हो गए फिसल गए में दो व्यक्ति है जी का घायल हो गए जी का वो भर्ती अस्पताल में इलाज जारी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक सांस्कृतिक संध्या है जी शुक्रवार ने आयोजित हुई नेचर पार्क में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या को आयोजन है जी को करीज गयो और जीप है जी की मारी है टक्कर सालासर पैदल यात्री जान लाग रहा है घायल हुए है। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर अब थे माना देख को सबसे पहले हमारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने थारे आस पास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम सामा मनोज और थे देख रहे हो जिनको चूरू चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की खबर है था देश को फिलहाल चूरू जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में मौजूद हाँ और अठे ग्रामीण खेलों का आयोजन है जी को होने लग रहा है। फिलहाल मैं है अठे जी को हॉकी का आयोजन हो रही है तो मैं कुछ झलकियाँ है जी की थाने दिखाऊंगा। फाइनल मैच पूरे गेम तक बराबर रहा उसके बाद में सडन डेथ कराया हमने टाइम ब्रेकर उसमें सुजानगढ़ विजेता रही 4-0 से और रतनगढ़ के कोई भी खिलाड़ी स्कोर नहीं निकाल पाए। कितने मैच हुए थे सर? मैच जब तक चला है उस टाइम दोनों टीमें 3-3 से बराबर रही 70 मिनट का गेम था ये पूरे गेम में दोनों टीमें 3-3 से बराबर रही उसके बाद में एक्स्ट्रा टाइम में सुजानगढ़ 4-0 से विजेता रहा। और आगे यदि खबर की बात कर ले तो गांव पुला सर्क ने है बाइक अनियंत्रित हो गए फिसल गए में दो व्यक्ति है जिका घायल हो गए जिका वो भर्ती अस्पताल में इलाज जारी है अंग्रीजन है साथ जिका लोग आयड़ा है वे ये कुछ कह रहे हैं और घायल होया बंग बारे में बता रहे हैं। और चूरू में है जी को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक सांस्कृतिक संध्या है जी शुक्रवार ने आयोजित हुई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता अंतर्गत शुक्रवार ने नेचर पार्क में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या को आयोजन है जी को करीज गयो। सांस्कृतिक संध्या में पायल सैनी जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग SP दिगंत आनंद आदि है जी का बुक दे के स्वागत कियो ए अवसर पर CO हरिराम SDM सत्यनारायण सहित अनेक अधिकारीगण भी मौजूद रहे तो प्रस्तुत है कुछ अठेगी झलकियाँ। आज जिला स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है उसमें जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसमें सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें हम लोग न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं अभी तो जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसमें हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं आमिर बिहानी जी, शहनाज फोगा हैं, लाडो बिटिया हैं,
इन सभी कलाकारों का जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी जो आम नागरिक हैं उनको खेलों के प्रति जो रुझान है वो बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है। और जीप है जी की मारी है टक्कर, सालासर पैदल यात्री जान लाग रहा है, घायल हुए है। पूरी यदि खबर की बात कर लिया तो चूरू में है जी को श्री गंगानगर करणपुरा तहसील का एक व्यक्ति है जी का सालासर पैदल जान लाग रहा है। इंद्रान सरदार शहर के गांव राणा सरकन है जी को पास में जीप जान लाग रही है, वह जीप है टक्कर मार दी। करणपुरा तहसील का अमृतपाल बताए हुए कि करणपुरा तहसील के आत्म सिंह आपके ग्रुप के साथ करणपुरा सालासर जान लाग रहे हो। इन दौरान है जी को सरदार शहर के गांव राणा सरकन पहुंचो तो गंगानगर की तरफ आ रही एक जीप है जी की टक्कर मार दी और बैंक बाद में है जी को ए लोग घायल हो गया। जिकन है जी सरदार शहर के अस्पताल ले जो बैंक बाद में है जी को आने चूरू रेफर भी कर दिया गया है और शनिवार ने है जी को अंग उपचार करे जा रहे है। हम सालासर जा रहे थे, गंगानगर से चले थे और करणपुर से चले थे और जीप ने इसको टक्कर मार दी, जीप वाला भाग गया। हमने इसको वहाँ से उठा के यहाँ सरदार शहर पे एडमिट किया। ये राणा सर की है, जीप बीच में आ रही थी गंगानगर साइड से।